देख लो, इसीलिए तो मैंने ड्राइविंग सीखी है। क्या पता कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं शब्बो, इस मुश्किल में तुम हमारे काम आ रही हो। इसी मुंह से अदा करना और शुक्रिया की कोई बात नहीं है, पूरे 30,000 लूंगी और पेट्रोल भी तुम लोग का होगा। हाँ, और ब्रूस ली अब्बा, जो भी तुम्हारा दिल करे मुझे मजदूरी दे देना। मैं अपनी बहन के इलाज के लिए अपना ढाबा बेच दूंगा। कार कहाँ गई? देख ले सब, मैं तो तेरे साथ आई हूँ, मुझे नहीं पता। ये जरूर उस नूरे कैंची के काम है, उसने यहाँ से हटा के फिर कहीं ना कहीं खड़ी कर दी होगी। नूरा सचमुच इस दफा मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। मेरा क्या होगा? तुम रुको, मैं और खाला नूरे से कार लेके आते हैं। हाँ। चल खाला। चल 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 चल, हमारा प्लान चौपट हो गया। या अल्लाह, मैं कोई कोई ऐसा गाहक दे कि कार ना सही मोटरसाइकिल ही दे जाए। ये ख्वाहिश तेरी कभी पूरी नहीं होगी। क्यों पूरी नहीं होगी भी है? क्योंकि तू मेरे हाथों से अब मर जाएगा। क्या किया है मैंने? कार कहाँ है मेरी? मुझे क्या पता तेरी कार किधर है, खाला से पूछो ना, ये तो चलाना भी जानती है आजकल। फिर इल्जाम लगा रहे मुझ पे, इसीलिए मैं इस दफा शब्बो के साथ आई हूँ ताकि तुम लोग मुझ मासूम पे इल्जाम ना लगा सको। नूरे देख ले, तेरे पास सिर्फ एक मिनट है सोचने का, बता दे मेरी कार कहाँ है। अल्लाह दिक्कत सुबह, मुझे को कहीं नहीं पता तेरी कार किधर है। फिर कहाँ गई? वो होगी ना इधर उधर, आवारा किस्म की तो कार है, जिसका दिल करता है उठा के ले जाता है। सब यहाँ पे हैं, सिर्फ कार गायब है। एक काम करना पड़ेगा। क्या? जेदा जासूस को लाना पड़ेगा। जेदा जासूस? हाँ। कार ढूंढ देगा? दो मिनट में। चलो फिर दो मिनट में बुलाओ उसको। सही है, मैं फोन कर